very warm welcome to this special. Today we are celebrating women who've gone against the tide. We're celebrating women who've gone against the odds to excel in their respective fields. And today I also have someone who has done that. Mere saath hai Divya Kankra, jo ki ek aise sport mein एक्सेल करती हैं जिसमें लड़कों को ज्यादा माना जाता था कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर दिव्या ने कहा कि नहीं, अगर आप लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं तो मैं जाके लड़कों से कुश्ती करती हूँ, उनके साथ दंगल करती हूँ, उनको हराती हूँ, फिर आप कहिए कि लड़कियां नहीं कर सकती। तो दिव्या, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। जर्नी की शुरुआत कैसे हुई उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप एक मिसाल हो सभी के लिए जो ये कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं, और आप ऐसी जगह से भी आती हो जहां पे कई चीजें हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती, जो लड़के कर सकते हैं, सही है ना? पर आपने लड़कों को कुश्ती में हराया, और वहां से आपका जो ये आपकी जो एक ये जो आपकी जर्नी है, आपका सफर है, वो शुरू हुआ। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, कैसे हुआ सब कुछ? अपने आप ही हो गया। पहली बात तो पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। जैसे हम गांव में रहते थे तो गांव में इतनी सुविधा नहीं थी, ना पढ़ाई की, और गेम को तो आप छोड़ ही दो। तो जब हम बहुत छोटे थे तो पापा ने सोचा था पहले कि मेरे बड़े भाई रेसलिंग करेंगे, पर लेकिन गांव में कोई सुविधा नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना पढ़ने का था। तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली में आके रहते हैं, दिल्ली में काफी सुविधा और अखाड़े भी है पढ़ाई वगैरह के लिए भी और कुश्ती के लिए भी। तो जैसे मेरे बड़े भाई रेसलिंग करते थे, वो अखाड़े जाते थे, तो मैं पढ़ाई से बचने के लिए उनके पीछे पीछे खड़े जाती थी कि पढ़ाई से बच जाओ, स्कूल ना जाओ, ऐसे करके कुछ सोचती थी मैं। तो धीरे धीरे जैसे मैं जाने लग गई तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी करने लग जाऊंगी। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करती थी मैं, और कभी कभी जोर होते तो जोर भी काफी अच्छी कर लेती थी मैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। फिर पापा ने बोला कि दिव्या तो बहुत अच्छे कर रही है, तो ऐसे ही भैया के साथ साथ मुझे भी जाना मेरा शुरू करवा दिया। और मेरी परवरिश जो रही है ना, एकदम मेरे भाई की तरह हुई, एकदम लड़कों की तरह मेरी परवरिश की गई है मेरे मम्मी पापा ने। तो कब मैं लड़कों से लड़ने लग गई, कब मैं उनको हराने लग गई, मुझे खुद ही पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ। हमेशा जो पावर उन्होंने मेरे अंदर रखी है या फिर सबसे आगे हमेशा मुझे रखा है, तो वो पावर ही थी, वो हिम्मत ही थी कि जब जैसे मेरी स्टार्टिंग हुई तो जैसे हम दंगलों में जाते थे तो दंगलों में लड़कियों के साथ कुश्ती होती थी तो बहुत कम पैसे मिलते थे, और कभी कभी लड़कियां आती भी नहीं थी। तो एक दिन पापा ने बोला कि लड़के के साथ कुश्ती लड़ेगी, तो मैंने कहा हाँ जी जरूर, क्यों नहीं लड़ूंगी, जब मैं लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, भाई जैसा खाती हूँ, उनके जैसा पहनती हूँ, तो मैं उनके साथ लड़ क्यों नहीं सकती। तो जब मैंने कुश्ती लड़ी तो मैंने एक लड़के को हराया, तो वो मजा कुछ और ही था, वो जुनून कुछ और था, वो खुशी कुछ और थी। पर अलग फीलिंग होगी, मुझे ये लगता है कि उस लड़के को क्या लगा होगा जिनको आपने हराया है। वो सोचते होंगे कि अगर लड़कों से हार जाए तो चलो एक बार मान लेंगे ठीक है हार गए, पर लड़की जब हराती है तो थोड़ी तो उनको ईगो हर्ट होती होगी उनकी। हाँ जी हाँ जी, काफी होता था, और कितने दंगल के ऐसे में बहुत लड़कों के साथ कुश्ती लड़ी हूँ। तो कितने किस्से मुझे याद है, एक लड़के की नई नई शादी हुई थी, शायद 12-15 दिन हुए थे, तो वो दंगल में पूरे जोश में आया, सोचा कि हवा बनाऊंगा ऐसे करके तो मेरे साथ कुश्ती हुई, और मैंने मात्र 2.5 मिनट में उसको चित कर लिया। वो कम से कम 3-4 दिन अपने घर नहीं गया था शर्म के मारे तो वो अपने ईगो पे लगाते थे, तो ये बात गलत है। कुश्ती है, खेलकूद है, कोई हारो कोई जीतो, ये तो गेम है एक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। काफी बार मुझे भी बुरा लगता था कि नहीं नहीं गलत हुआ। और एक बार बहुत बड़ा दंगल था तो वो लड़का बहुत तगड़ा था, उसके साथ कुश्ती हुई तो बार बार वो चित होने से बच गया था, और हमारी कुश्ती बराबर हुई थी। तो बराबर पे ये होता है कि ना वो जीतता ना मैं जीतती, बराबर इक्वल रह गए। तो जो उसके दादा थे उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए थे कि चलो आपने हमारी इज्जत रख ली, मेरा लड़का चित नहीं हुआ, आपने हमारी इज्जत रख ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, दंगल आमिर खान ने फेमस कर दिया है पिक्चर के साथ, चलिए गीता बबीता जो फोगट सिस्टर्स हैं वो तो आगे आई ही, पर जो फिल्म के बाद ऐसा लगने लगा कि अब और भी कई लोग जानते हैं दंगल के बारे में, कैसे पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तो वो सब फिल्म के थ्रू सामने आया, पर ग्राउंड लेवल पे कितना डिफरेंस आया है
आप देखती हैं, आप जाती हैं कॉम्पिटिशन्स में, आप नेशनल्स में जाती हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या अब ज्यादा लड़कियां आ रही हैं कुश्ती लड़ने के लिए, सीखती हैं प्रोफेशनली, क्या स्पोर्ट को लेना चाह रही हैं? जी जी लड़कियों में काफी मतलब वो दंगल मूवी देख के काफी लड़कियों ने पहलवानी शुरू करी, कितने ही माता पिता ने भी शुरू करवाई है कि जब वो इतनी मेहनत करके अपनी चार चार बेटियों को यहाँ तक ला सकते हैं तो हम अपनी एक या दो लड़कियों को क्यों नहीं करा सकते। और कितने गांव में वहां पे मैट की सुविधा नहीं है तो उन्होंने घर में ही मट्टी वगैरह डाल के, गद्दे वगैरह डाल के शुरू करवाए, तो उनका जोश उनका उत्साह देखिए आप कि उन्होंने एक मूवी से, ठीक है रेसलिंग करते थे हर एक चीज से पहचान थी, पर लेकिन जो पहचान हमारी कुश्ती को मूवी से मिली है वो मुझे नहीं लगता और किसी चीज से मिल सकती थी। तो उसके बाद गाँव में और काफी जो लोग ये सोचते थे कि लड़कियों को पहलवानी नहीं करनी चाहिए उनकी सोच में बदलाव आया है, जो सोचते थे कि लड़कियां कमजोर हुई रहती है या कमजोर है, तो दंगल मूवी देखने के बाद उनको जब देखा कि लड़कों को हरा रही है गीता दीदी, तो उनकी सोच में बदलाव आया है, माता पिता की सोच में बदलाव आया है और लड़कियों की सोच में बदलाव आया है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो काफी कुश्ती में भी जोश बढ़ा है और मतलब काफी लड़कियां भी निकल के आई, और नेशनल में हम देखते हैं झारखंड, महाराष्ट्र और हिमाचल के, मतलब जिनको हम भी नहीं जानते थे वहां से टीमें, नए नए बच्चे और भी ज्यादा निकल के आने शुरू हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे याद है कि जब आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, नेशनल हार गई थी, आप कोविड से उस वक्त निकली थी, मतलब कोविड से ठीक होकर, उस समय थोड़ी सी अपसेट भी थी, आप उदास थी, मुझे जैसा पता चला कि आप रोई उसके बाद, आपको लगा कि ये कैसे हो गया मेरे साथ, क्योंकि तो उससे अब तक कैसी अभी तक आपकी ट्रेनिंग रही है और आगे मेरे को, अच्छा पहले उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, आपकी सगाई हो गई है पर आपने कहा है कि अभी अभी ओलंपिक तक वेट करूंगी शादी का, तो पर ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो किस तरह की अभी ट्रेनिंग रही है और आगे क्या सपने हैं दिव्या के? जी पहले तो धन्यवाद आपका, और जब ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं हुआ था और मैं नेशनल में हार गई थी तो वो टाइम ऐसा था कि वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीत रही थी, कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और दिसंबर के लास्ट में हमारा वर्ल्ड कप था, तो वर्ल्ड कप में टीम जा रही थी, मैं भी जा रही थी, उसके दो दिन पहले कोविड टेस्ट हुआ और तब मुझे पता चला कि मुझे कोविड है। उससे पहले मुझे थोड़ी थोड़ी कमजोरी लगती थी और लगता था कि कहीं फीवर नहीं हो, पर यह था कि मैं वेट कम करी थी कोविड, उसमें लॉकडाउन में वेट काफी बढ़ गया था मेरा, तो मैंने सोचा कि शायद मैं वेट कम कर रही हूँ इस वजह से कमजोरी आ रही है, थोड़ी खांसी वगैरह हो रही थी, पर लेकिन मुझे बाद में पता चला मुझे कोविड है, तो उसके कारण मैं 20-25 दिन तो वैसे रेस्ट लिया और फिर 15 दिन जब मैट पे दोबारा आई तो उसके लिए मुझे काफी रेस्ट मुझे लेना पड़ा था, तो 1.5-2 महीना मेरा आराम से ऐसे चला गया था, जिसके कारण मैं नेशनल में लड़ी जरूर थी पर मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत बेकार थी और ना मुझसे लड़ा जा रहा था, काफी कमजोरी थी, तो नेशनल के बाद फिर मैंने दोबारा रेस्ट लेना पड़ा मुझे 1 महीने का, और जब फरवरी में रेस्ट लिया मार्च में फिर मेरी ट्रायल हो गई, तो उसमें मैं फिर हार गई थी क्योंकि जब तैयारी नहीं थी, रेस्ट रेस्ट था, वेट भी काफी बढ़ रहा था मेरा, तो वो जो टाइम था मैं बस भगवान से यही पूछती थी कि आपने ऐसे टाइम पे मुझे कोविड क्यों किया या फिर क्यों मुझे ये सब हुआ, मैंने इतनी मेहनत की थी, पर लेकिन ये होता कि भगवान को सब कुछ पता है, भगवान ने आगे तक की सोच रखी है, तो हमारा काम है प्रयास करना और रिजल्ट देना वो भगवान के हाथ में है, और अब भी मैं मेहनत कर रही हूँ, और जैसे कि मेरे पहले मुझे भाई कराते थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया, फिर मेरे पापा कराते थे, सबसे पहले मेरे पापा ने कराई, फिर भाई ने, फिर मेरी दोस्त नीना उसने कराई, और अब मेरे मंगेतर सचिन प्रताप सिंह तो वो भी बॉडी बिल्डर है, वो भी करते थे बॉडी बिल्डिंग, और अब वो मुझे भी करा रहे हैं, फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं जैसे, या फिर जो जो मेरे में कमी है, स्टेमिना की कमी है, तो उस चीज पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो भगवान ने मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही सोचा है, पिता ऐसे मिले, भाई ऐसे मिले, दोस्त ऐसे मिले, और अब लाइफ पार्टनर ऐसे मिले हैं, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में मैं कुछ कर सकती हूँ, और कोलवाल गेम्स, एशियन गेम्स आ ही रहे हैं, तो उनकी तैयारी मेरी अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया। एक मैं रैप करती हूँ पर उससे पहले 2-3 सवाल और हैं। एक तो ये है कि बचपन में ही आपने कुश्ती स्टार्ट कर दी, और मैंने आपके काफी वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत छोटी सी दिव्या लड़कों को चित्त कर रही है, और जिम्मेदारियां आप पे थी, घर में पैसे की कमी थी,
पूरी वो जो बचपन से लेके अभी तक, कभी आपको लगता है कि आपका बचपन इसी में निकल गया? मतलब जो बचपन में जो बच्चे वो मैं शायद आप बता नहीं कर सकती पाए। हूँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अपना बचपन जी नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं कि बचपन क्या होता है। मैं कभी ठीक से स्कूल नहीं गई, आज तक मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं गई हूँ, आज तक किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं गई, आज तक मैं किसी शादी में नहीं गई हूँ। शादी में सिर्फ मम्मी पापा के साथ, जैसे मैं सगे मामा की शादी में भी नहीं गई थी एक बार, तो भारत केसरी दंगल था, तो मैं बहुत ही कम शादी में गई हूँ और बहुत ही कम मैं खेली कूदी हूँ। तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि मेरा बचपन ऐसे ही चला गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला, गुड्डा गुड़िया छुपम छुपाई होता क्या है ये मुझे आज तक पता नहीं चला। तो बचपन से ही कुश्ती में रही हूँ और कुश्ती जीवन है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे माँ पापा का, मेरे भाई का, और अब मेरी मतलब भाभी मेरे साथ है, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, तो पूरा परिवार ही मेरे साथ है। तो बचपन से लेके अब तक ये सफर ऐसे चला गया। अब जब अपना पीछा, अपना पिछला पास्ट देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कैसे हम इतनी जल्दी यहाँ पे निकल के आ गए। पर लेकिन उस टाइम पे एक एक दिन काटना बहुत भारी होता था, पर जब पूरा परिवार साथ होता है ना, तो दिन और बुरा टाइम कैसे चला जाता है वो पता ही नहीं चलता। बस लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारा तगड़ा रहना चाहिए, उनमें हिम्मत रहनी चाहिए, तभी इंसान आगे तक बढ़ सकता है। बहुत बढ़िया आपने बात कही है कि अगर आपने हिम्मत रहनी चाहिए तो आप आगे बढ़ जाते हो, अगर आप में वो हिम्मत होती है। अब जो नन्ही लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, जो दिव्या काकरा को देख के कहती हैं कि भाई मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस तरह से कुश्ती लड़ूं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और जो देश की जितनी भी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स को फॉलो करना चाहती हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ, पहली बात तो कि स्पोर्ट्स कोई भी चुने बहुत जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें कुछ बनना ही है, हमें कुछ आगे बढ़ना ही है, जो पढ़ते भी है उनके लिए भी कि एक कि स्पोर्ट्स जरूर चुने, क्योंकि पहली बात तो ये कि हम बीमारियों से दूर रहते हैं। दूसरा, अगर हम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रहेंगे तो भी हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, एक ही साइड जाएगा तो भी अच्छा नहीं है। तो शरीर के लिए हर एक चीज जरूरी होती है, पढ़ना भी जरूरी है। जो स्पोर्ट्स में बच्चे वो भी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि मुझे पता है मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो मुझे कितनी प्रॉब्लम आती है, तो पढ़ाई पे भी ध्यान दे, और जो बच्चे पढ़ते हैं वो गेम पे भी ध्यान दे। और दूसरा, हमारी यही उम्र होती है कुछ करने की, उसके बाद तो आपको पता ही है 22-23 साल के बाद, 24 साल के बाद ये कि वो टाइम नहीं रहता जो हमारे हाथ में आज है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि फोन में जो गेम खेलते हैं, अगर वो रियल में गेम खेले तो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके शरीर के लिए भी और उनके भविष्य के लिए भी। तो ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए, हमें टाइम पर सुबह उठना चाहिए और हमें प्रणाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और गेम के लिए हमें गेम जरूर चुनना चुनना चाहिए, चाहे कोई भी गेम हो। और दूसरा, कि जो माँ बाप अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं, उनको गेम में लेके आते हैं, उन लड़कियों को गेम में लेके आते हैं, उनको पूरे विश्वास के साथ अपने माँ बाप के साथ लग के मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ये होते हैं कि वो बच्चों पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं, उनको आगे तक लेके आते हैं, और अगर वो उसमें सफल नहीं होंगे तो उनका बहुत ज्यादा दुख होएगा। कितने लोग खिलाफ थे और अब उनका क्या कहना है जब वो आपको इस मुकाम पे देखते हैं? सभी खिलाफ थे, बल्कि और तो क्या, मेरे घर में मेरे दादा दादी खिलाफ थे, जो आज मुझे पूरी सपोर्ट करते हैं। तो मेरे घर में काफी लोग खिलाफ थे, बल्कि मेरी मम्मी भी खिलाफ थी पहले पहले। तो लड़कियों को किसने बोला पहलवानी करना, कौन करता है पहलवानी, मर्द जैसे हाथ पैर हो जाएंगे, कान टूट जाएंगे, मेरी दादी की वाणी बोलती थी, मेरी दादी बोलती थी कान टूट जाएंगे, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पर लेकिन मेरे पापा ने पूरा सपोर्ट किया और मेरी मम्मी को भी समझाया कि जो आप नहीं कर पाए, मेरी मम्मी पढ़ भी नहीं पाई ज्यादा और गेम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो जो तुम नहीं कर पाए वो हम अपनी लड़की को कराएंगे, अपने लड़के को कराएंगे। तो मम्मी भी समझी उस बात को, मम्मी ने भी काफी मेहनत करी फिर मेरे लिए। तो जो पहले लोग तो बहुत कुछ बोलते थे, अब तो बोलते हमारी दिव्या, हमारी भतीजी, हमारी ये, हमारी वो, तो अब तो सब चेंज ही हो सबकी गया है, सबकी वो तो कहने की बात ही नहीं दिव्या है। हो गई है हाँ वो। हाँ जी, हाँ दिव्या कांकरा, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाल के हमसे बात करी और बहुत ही जी कैंडिड तरीके में, बिल्कुल ओपनली आपने बताया कि क्या क्या हुआ आपकी, किस तरह की जर्नी रही और किस तरह के चैलेंजेस भी आपने फेस करे। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप आगे इंडिया के लिए ओलंपिक में पार्ट लें, आप अच्छा प्रदर्शन करें। दीज आर आवर विशेस थैंक फॉर यू, यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।